पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य इस बार चुनावी मैदान में है। सारण से राजीव प्रताप रूडी को टक्कर दे रही है। आपको बता दें, राजीव प्रताप रूडी भाजपा से पहले भी वहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं और इस बार रोहिणी आचार्य उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में उतरी हुई है। लेकिन दोनों के बीच रार लगातार जारी है। आपको बता दें, आए दिन दोनों एक दूसरे पर टिप्पणी करते नजर आते हैं। राजीव प्रताप रूडी रोहिणी आचार्य के नागरिकता पर सवाल उठाते हैं, ये कहते हैं कि उन्हें कोई नहीं जानता, रोहिणी नहीं बल्कि लालू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं रोहिणी आचार्य भी लगातार पलटवार करती नजर आती है। इसी क्रम में एक बार फिर रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर बिना नाम लिए अपने प्रतिद्वंदी राजीव प्रताप रूडी पर जमकर निशाना साधा है। बता दें, सारण लोकसभा सीट से चुनावी अखाड़े में उतरी रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए और भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी पर हमला बोला है। रोहिणी ने रविवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि पराजित होने की प्रबल संभावना से ग्रसित लोग ही झूठ भ्रामक प्रचार प्रोपेगेंडा की आड़ में अपना कायरपन छिपाते हैं। गलत नहीं कहा, माना और जाना गया है कि खोखले बर्तन, खोखली चीजें, खोखले लोग और शोर ज्यादा मचाते हैं। लड़ना है तो सामने से लड़े, कब तक लड़ोगे डरे छिपे। ये पोस्ट रोहिणी ने उस बयान पर किया जिसमें राजीव प्रताप रूडी ने कहा था कि चुनावी हलफनामे के अनुसार रोहिणी का पता है पटना है, छपरा नहीं। जीत गई तो उनसे मिलने के लिए अंतरिक्ष या सिंगापुर जाना होगा। बता दें कि जब से रोहिणी आचार्य ने नामांकन किया है उसी दिन से भाजपा ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि उनके नामांकन में दी गई जानकारी सही नहीं है। ये सवाल उठने लगे कि क्या रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द हो जाएगा। हालांकि आरजेडी के राष्ट्र प्रवक्ता नवल किशोर ने पोस्ट कर दावा किया है कि रोहिणी आचार्य का नामांकन मंजूर हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल भ्रम फैला रही है। राजीव प्रताप रूडी ने कहा था कि रोहिणी आचार्य चुनाव जीतने के लिए इस बात का मुद्दा बना रही है कि वह छपड़ा की बेटी है। नामांकन में जो एफिडेविट दाखिल किया गया है उसमें रोहिणी का पता पटना का है, छपड़ा से उनका कोई लेना देना है ही नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा और मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि जो छपड़ा का निवासी नहीं है उसे वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। बता दें कि 20 मई को पांचवें चरण में सारण में वोटिंग होगी जहां रूडी का मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य से होना है। 20 मई को वोटिंग हो रही है, रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी आमने सामने हैं। लेकिन वोटिंग से पहले और चुनाव जीतने से पहले ही दोनों के बीच लगातार रार जारी है। दोनों एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी करते नजर आते हैं। राजीव प्रताप रूडी अक्सर रोहिणी आचार्य के नागरिकता पर सवाल उठाते नजर आए, ये कहते नजर आए हैं कि रोहिणी नहीं बल्कि लालू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो वही रोहिणी आचार्य भी लगातार पलटवार करती नजर आती है और फिर रोहिणी ने कुछ ऐसा ही किया है। अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर बिना राजीव प्रताप रूडी का नाम लिए ही उन पर जमकर निशाना साधा, कायर तक कह डाला है। अब 20 मई को वोटिंग होनी है, 4 जून को रिजल्ट सामने आना है। जीत किसकी होगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।